हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे प्याज के पकोड़े और गर्मा गर्म चाय की रेसिपी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म पकौड़ा और गर्मा गर्म चाय की रेसिपी तैयार है फ्रेंड्स, सर्व के लिए। इस बरसात का मज़ा लें आप भी बना के अपने घरों पे। तो प्याज का पकौड़ा बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने 250 ग्राम के आसपास प्याज लिया है, मीडियम साइज़ का लगभग 5 से 6 प्याज और 3 से 4 हरी मिर्च का हमने बारीक काटा है और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, जो कि अदरक और लहसुन का टुकड़ा, लहसुन की कलियां हमने 6 से 7 लिया है, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, बेसन हमने 100 ग्राम से कम लिया है और अजवाइन और मंगरेला जो है हमने 1/2 चम्मच दोनों मिला के लिया है। और हम अब इसमें मसाले ऐड करेंगे प्याज में, तो 1/2 चम्मच के आसपास हम हल्दी ऐड करेंगे, और ये लाल मिर्च हमने 1/2 चम्मच के आसपास लिया है, और जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, और फिर नमक स्वाद के अनुसार अब डालेंगे, और गरम मसाला 1/4 चम्मच के आसपास हम डालेंगे इसमें, तो इन अब हम अदरक लहसुन के पेस्ट को डालेंगे प्याज में, और अजवाइन और मंगरेला को फिर अब डालेंगे। प्याज को फ्रेंड्स हम बिल्कुल रफली चॉप करेंगे लंबे लंबे शेप में, और बेसन को हमने थोड़ी थोड़ी करके डाल के इसे इसका डो तैयार करेंगे, और इसमें हम पानी नहीं ऐड करेंगे फ्रेंड्स, पानी देंगे तो फिर ये जो पकौड़ा का स्वाद है वो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो हम थोड़ी थोड़ी बेसन डाल के इसे इसका डो तैयार करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे, प्याज को मैश करेंगे ताकि ये अच्छे से मिल जाए। ज़्यादा बेसन का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने नमक इसमें डाला है तो ये पानी भी छोड़ेगा थोड़ा थोड़ा। तो ये देखिए हमने थोड़ी सी और बेसन ऐड किया है, उसी 100 ग्राम के आसपास बेसन में हमने लिया है। प्याज इसमें ज़्यादा रखेंगे और बेसन को बहुत ही कम मात्रा, केवल बेसन को इसे मिलाने के लिए करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा बेसन डालने से वो गीला गीला अंदर से वो उसका फ्लेवर आएगा। तो हम कढ़ाई लेंगे, हमारा डो उधर तैयार हो गया फ्रेंड्स, हम कढ़ाई लेंगे, इसमें तेल डालेंगे, तेल हमने इसमें 150 ग्राम के आसपास डाला है फ्रेंड्स, तो तेल को हम पूरा हीट करेंगे और डालते समय हीट करेंगे फ्रेंड्स, और उसके बाद डालने के बाद इसे लो फ्लेम पे ले आएंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे, और इसे बारीक बारीक अब जिस प्रकार का साइज रखना चाहते हैं इसका उस हिसाब से आप डालें, साइज बड़ी छोटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, हमने इस साइज को अच्छा समझा है तो इसी साइज में हमने बनाया है। तो ये देखिए इसे हम लो टू मीडियम पे पकाएंगे फ्रेंड्स, डालेंगे हम तेज फ्लेम पे, लेकिन जब डालने के बाद इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। अब इसे धीरे धीरे चारों तरफ सेकना है, इसे पकाना है अच्छे से, ब्राउन करना है। बरसात के दिनों में फ्रेंड्स अगर प्याज का पकौड़ा और गर्मा गर्म चाय की रेसिपी मिल जाए तो फिर बरसात का आनंद ही कुछ और आता है, बहुत ही मज़ा आता है बरसात के दिनों में इस प्रकार की रेसिपी खाने का दिल करता है। तो ये देखिए धीरे धीरे हम कलछू की मदद से इसे पलटेंगे या चम्मच की मदद से, तो हमारा एक तरफ देखिए सिक चुका है, दूसरी तरफ भी हम इसे सेकेंगे, इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाएंगे, क्योंकि इसके बीच में तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे तो क्या है ना ऊपर से जल जाएगी और बीच में कच्चापन इसका गीला गीला सा रह जाएगा,
और मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे तो अच्छे से पक जाएगा अंदर तक, और इसे खाने में भी मज़ा आएगा। आप प्याज और बेसन का डोक तैयार करते समय हरी धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे यहाँ अभी लॉकडाउन में नहीं मिल पाया अपने मार्केट में, तो उस वजह से हमने अभी प्रयोग नहीं किया। आप चाहे तो हरी धनिया का भी इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा कितना अच्छा बन के तैयार है फ्रेंड्स। अब हम इन सब को निकालेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया इसका फ्लेवर है, देख के अच्छा लग रहा है। तो हम इसी प्रकार से सारे पकौड़ों को हम तल लेंगे। बिल्कुल इसी तरह के फ्लेम पे हम पकाएंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल मीडियम टू लो में। तो सारे प्याज के पकौड़ों को हमने तल के रख लिया है फ्रेंड्स। तो अब हम गर्मा गर्म चाय बनाएंगे फ्रेंड्स। चाय बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने लगभग 300 ग्राम के आसपास दूध लिया है और उसे गर्म करने के लिए एक भगोने में चढ़ाया है। दूध हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें चाय पत्ती ऐड करेंगे। चाय पत्ती हमने एक चम्मच से थोड़ी सी कम यहाँ पे डाला है और इसे उबाल आने तक पकाएंगे। तो इसमें उबाल आ चुका है फ्रेंड्स, अब हम इसमें अदरक डालेंगे। अदरक को हमने कूट के डाला है। अदरक जो हमारा मात्रा में है 1/4 inch के आसपास टुकड़ा उसका, और अब एक इलायची हमने कूट के डाला है इसमें। तो इसे भी हम डाल के इसे उबाल आने तक पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा उबाल आ चुका है, अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे फ्रेंड्स। तो चीनी आप अपने स्वाद के हिसाब से डालेंगे। यहाँ पे हमने 3 चम्मच के आसपास तीन चीनी का प्रयोग किया है। तो ये फाइनली चाय बनकर हमारा रेडी है फ्रेंड्स, गर्मा गर्म। अब हम इसे सर्व के लिए निकालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज के पकोड़े और गर्मा गर्म चाय की रेसिपी इस बरसात का मज़ा दुगना कर देगा। आप भी इसे आप अपने घर में बनाएं और बरसात का समय का जो है इस प्रकार से आनंद लें। ये देखिए बीच से हमारी बिल्कुल सॉफ्ट है ये प्याज के पकोड़े और ऊपर से बिल्कुल क्रंची है, तो इसका मज़ा ही कुछ और है खाने का फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आप भी अपने घर पे बनाएं तो बहुत ही मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स। ये गर्मा गर्म जब सर्व करेंगे या आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो इस प्रकार की आप रेसिपी का प्रयोग करें इन बरसात के दिनों में फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।